कपड़े की लंबाई 35 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 31.5 इंच है, तो जिधर से ज़्यादा है कपड़ा उधर से ही हमें मोड़ना है। तो लंबाई के साइड से आपको हमेशा मोड़ना है। दो फोल्ड में मोड़ने के बाद हमें देख लेना जिधर से बंद है उधर से गले के लिए निशान लगाना है। सबसे पहले लंबाई ले लेंगे, जो भी लंबाई है वो ले लेंगे, अब प्लस उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है और 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। तो टोटल 15.5 इंच पे निशान लगा लिया है, 15.5 इंच पे। इसके बाद चेस्ट के लिए हमें निशान लगाना है, तो जो भी चेस्ट है वो ले लेना है। तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे, 40 चेस्ट है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे, और तीरा के लिए निशान लगाएंगे हम लोग 6 इंच पे, और आर्म होल के लिए भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है सीधा और 1 इंच पे गुलाई कर देनी है। गले के लिए निशान लगा लेना है, तो सर 6 इंच पे निशान लगा लिया है, ये 6 इंच पे कंप्लीट होगा गला। 1/2 इंच हमारे ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। अब कमर के लिए निशान लगाना, तो जो भी कमर है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। तो 8 इंच पे कमर है प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। अब दोनों निशान को आपस में मिला लेना है, लाइन खींच लेना है। टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और लंबाई जो है वो भी हम लोग 1.5 इंच या 2 इंच पे ले लेंगे। दूसरा टक्स के लिए हम लोग 4 इंच पे निशान लगा लिया है और लंबाई भी 4 इंच ही रखी है, और ये 1 इंच का टक्स जो है वो बनेगा। तो दोनों तरफ से 1/2 इंच पे निशान लगा करके एरो बना लेना है तीर। अब तीसरा टक्स के लिए नीचे से आपको 3 इंच पे निशान लगा लेना है और इसकी लंबाई 5 इंच ले लेनी है। चौथा टक्स के लिए आपको इंच टेप को इस तरीके से बीच में रखना है और 3.5 इंच पे निशान लगाना है, तो ये इस तरीके से गोलाई में आ जाएगा चारों टक्स हमारा। तो ये हमारा फ्रंट भाग का जो भी निशान है वो हमने लगा लिया है। अब बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो आप चेक कर ले, आपको बंद भाग से निशान लगाना है गले के लिए, तो गले के लिए निशान लगा लिया है 9 इंच पे, और शोल्डर के लिए निशान लगाना है, तो जितना फ्रंट में शोल्डर लिया उतना बैक में भी लेना है। तो तीरा के लिए 6 पे लगाया और आर्म होल के लिए भी 6 पे निशान लगा लिया है। अब 1.5 इंच पे गुलाई कर देनी है, फ्रंट भाग पे 1 इंच पे करते हैं और बैक पार्ट में 1.5 इंच पे गुलाई करनी होती है हमें, और ये 2 पॉइंट शोल्डर डाउन करना है। आप गले के साइड से भी डाउन कर सकते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि कंधा जो है वो गिरता नहीं है। 14.5 इंच पे निशान लगा लिया है और एक सीधा लाइन खींच लेना है। आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा और 14 इंच पे ये कंप्लीट होगा, और नीचे जो कपड़ा है वो हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब चेस्ट के निशान लगाना है, तो जितना चेस्ट है उतना ही ले लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब लाइन खींच लेना है एक सीधा,
अब इंची टेप को गले के साइड से रखना है और निशान लगा लेना है बैक टक्स के लिए। तो यहाँ पे टक्स हमारा बनेगा 1 इंच का टक्स, ये बनेगा हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से निशान लगा करके तीर जैसे बना लेना है आपको। तो कमर के लिए 8 इंच हमारा कमर है प्लस 1 इंच टक्स में चला जाएगा और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से कमर के लिए भी निशान लगा लेना है आपको नीचे से। तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए निशान लगा लिया है, अब देख सकते हो। अब बैक पार्ट में गुलाई कर देनी है गला में और इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसमें हम लोग बाजू के लिए निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो गला का जो कपड़ा है और बाजू का जो कपड़ा है दोनों का गले का पट्टी जो है वो उसमें से निकाल लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को पहले अलग कर लेते हैं कैंची से। बाजू के लिए कपड़े को 2 भाग में मोड़ लेना है और इसे एक बार फिर से मोड़ लेना है, तो 4 भाग में टोटल मोड़ लेना है और 1.5 इंच तुरपाई के लिए निशान लगा लेना है। अब जो भी लंबाई रख लेनी है आपको 4 या 5 इंच वो निशान लगा करके सीधा कर लेना है लाइन। अब उसका हाफ कर देना है जितना भी लेंथ है और इस तरीके से आपको गोलाई कर देनी है। तो सबसे आसान तरीका है बाजू कटिंग करने का। और ये जो पट्टी हमारा बच गया था नीचे से हाई हुक बना लेंगे और ये जो गले में का पट्टी निकला है उसे इस तरीके से आपको कटिंग करके गले के लिए पट्टी निकाल लेना है। तो हमारा फ्रंट भाग हो गया, ये बैक पार्ट हो गया, ये हाई हुक की पट्टी हो गई जो नीचे कपड़ा बचा हुआ था और ये बाजू हो गया।